6000 मतलब रशियन, रशियन मतलब 6000। ये आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, मीम्स में देखा होगा और लोग इसे बड़े मजे से बोलते भी हैं। और जब हर्ष गुजराल जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन स्टैंड अप के टाइम बोलते हैं तो लोग और भी जोर से ठहाके लगाते हैं, मजे से इसको सुनते हैं। विनय भाटिया जब स्टैंड अप के टाइम बोलते हैं तब भी लोग खूब मजे लेते हैं। और ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता। बोलते हैं कि टीवी पे बहुत कुछ सेंसर कर दिया जाता है जो सुनने लायक नहीं होता, बट उसी टीवी पे जब कपिल शर्मा रशियन को 15000 का रेफरेंस देते हैं तब सोहेल खान और अर्चना पुरासिंह जोर जोर से ठहाके लगाते हैं, ऑडियंस वहां पे एकदम मजे ले ले करके जोर जोर से हंसते हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि हमने ये जोक सुना भी है और मजे भी लिए हैं, और जोक है तो जोक का मजे लेने में प्रॉब्लम क्या है? बट अगर मैं कहूं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक छोटे से जोक की वजह से फॉरेन वुमेन का इंडिया में जीना मुहाल हो गया है, सिर्फ एक जोक की वजह से रेप बढ़ गया है, इतना ही नहीं इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो गया है, तो आप क्या बोलोगे? आपको हंसी भी आएगी और आप बोलोगे कि है ऐसा तो ही हो सकता है। शायद आपको ये बात हजम नहीं हो रही होगी, कोई नहीं, आगे समझ में आ जाएगा कि हर्ष गुजराल ने सिर्फ एक जोक नहीं बोला, विनय भाटिया और कपिल शर्मा ने सिर्फ एक जोक नहीं बोला, बल्कि लाखों लोगों को गलत रास्ते पे इन्फ्लुएंस किया है। वो कैसे, ये हम आगे बात करते हैं। ये एड आपने देखा है, इसमें स्टंट मैन फेयर नहीं होता है तो हीरो को बुलाया जाता है जिसको लड़कियां देखते ही पागल हो जाती है, फिर जब स्टंट मैन फेयर लवली लगा के आता है तो गोरा हो जाता है, फिर नेक्स्ट शॉट में स्टंट मैन के पीछे लड़कियां पागल हो जाती है, भागती है। फिर ये एड देखो, इसमें भी फेयर लवली लगा के फेस गोरा हो जाता है और इनके फैंस दीवाने हो जाते हैं। और अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फैंस में सिर्फ लड़कियां हैं, एक भी लड़के नहीं है। इस एड में देखो, लड़का डरा से हमें कहीं कोने में क्रीम लगा रहे हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने ऐसे कैसे जाएंगे ऐसा गंदा मुंह लेकर के, क्योंकि ये तो गोरा नहीं है। और फिर जब क्रीम लगा लेता है तो दुनिया इसके पीछे पागल हो जाती है क्योंकि ये फेयर हो जाता है, लड़कियां आगे पीछे घूमने लगती है। इन एडवर्टाइजमेंट्स में आपने कुछ नोटिस किया? सिर्फ एक चीज कॉमन है, गोरा होना, जिससे लड़कियां आगे पीछे घूमेंगी। अब बताओ जो लड़के इस एड को देखते हैं वो इससे क्या सीखेंगे, किस चीज से इन्फ्लुएंस होंगे? पहला लड़की, दूसरा गोरा, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर बाकी चीजें बॉलीवुड एंड सोशल मीडिया क्लियर करती है। पहले बॉलीवुड पे बात करते हैं, छमक छल्लो गाना हो गया या फिर व्हाइट व्हाइट फेस देखे वाला गाना हो गया, या फिर अभी का कोई भी गाना ले लो, बादशाह का गॉन गर्ल ले लो, या फिर काका का हील या शेप सॉन्ग या कोई भी गाना उठा लो, बैकग्राउंड में फॉरनर्स डांस करते जरूर दिखेगी। और एटम सॉन्ग्स में एक वुमेन को 100-200 लोग इस तरीके से घेरे रहेंगे और ऐसे घूरते रहेंगे जैसे कि वुमेन एक ऑब्जेक्ट है सिर्फ, और वुमेन को सिर्फ एक चीज के लिए बनाया गया है। उसके ऊपर से कुछ मूवीज हैं जैसे संजू, कबीर सिंह, एनिमल, साहू, हाउसफुल का फ्रेंचाइज, ऐसी मूवीज मिस जॉनी को ग्लोरीफाई करते हैं। फिर आता है सोशल मीडिया पे पेजेस एंड चैनल जिसका सिर्फ एक बिलीव होता है कि मॉडल एंड एक्ट्रेस का सेमी न्यूड फोटो कहां से मिल जाए, पीछे से फोटो या वीडियो कहां से मिल जाए ताकि लोगों से सवाल कर पाए कि पहचानो कौन। और इन डेप्थ जाते जाओगे तो इससे पता चलता है कि लाइफ में सिर्फ तीन चीजें जरूरी है, गोरा होना, फॉरनर्स या फिर व्हाइट स्किन के पीछे भागना, और वुमेन को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के जैसे समझना। हम इंडियंस व्हाइट स्किन के पीछे कैसे पागल हैं ये देख, ऐसा नहीं कि ये कोई सेलिब्रिटी है, बस एक लड़की है वो भी फॉरनर्स, जो मन में आया इसके साथ कर लो। अब एक सवाल मेरा है कि अगर कोई हमारे माँ बहन के साथ ऐसा करते हैं तो अच्छा लगेगा? हम अपनी माँ बहन बेटियों को सेफ देखना चाहते हैं बट दूसरों की नहीं। सेम ऐसा ही सिचुएशन सुशांत सिंह के साथ हुआ, जब वो अपने एक फॉरेन फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है तो जबरदस्ती लोग सेल्फी लेने लगते हैं, यहाँ तक कि कमर पकड़ लेते हैं, बॉडी को टच करके सेल्फी लेने लगते हैं, वो भी जबरदस्ती, फिर वो लोग किसी तरीके से वहां जान छुड़ा करके भागते हैं। ये है कोरियन यूट्यूबर जिसके साथ बदतमीजी किया गया, हाथ पकड़ के खींचा गया, महाराष्ट्र में ही केली के बिना परमिशन के कुछ इस तरीके से गले से पकड़ लिया, जोधपुर में हैरेस किया गया, कुछ लड़के एक जापानीज लड़की को कुछ इस तरह होली के दिन रंग लगाते हैं और हैरेस करते हैं, सर पे अंडा फोड़ते हैं, ऑलमोस्ट वो हर चीज करते हैं जिसे देख करके एक इंडियन को शर्म आ जाए। राजस्थान में एक ऑटो ड्राइवर ने इस तरीके से इनअप्रोप्रिएट तरीके से फॉरेन वुमेन को परेशान किया। और अभी हाल ही का इंसिडेंट है जो आप लोगों ने सुना होगा, एक स्पैनिश टूरिस्ट के साथ 7 लोगों ने झारखंड में गैंग रेप किया, इसके बाद उसे मारा, उसके हस्बैंड को मारा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कितने इंसिडेंट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, कितने वीडियो आपको मिल जाएगा जिसका अंदाजा लगा ही नहीं सकते। 2019 में सिर्फ दिल्ली में 409 केसेस ऐसे दर्ज किए गए जिसमें फॉरनर्स के ऊपर इंडियंस ने क्राइम किया है। और हम सबको पता है कि बहुत केसेस तो पुलिस स्टेशन तक पहुंचते ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपने रिस्पेक्ट का सोचते हैं, सोसाइटी में जब नाम जाएगा, देश में जब नाम जाएगा कि मेरे साथ इस तरीके से सुलूक हुआ है तो लोग क्या सोचेंगे। अब जरा सोचो कि ये सब वीडियो और न्यूज से ग्लोबल लेवल पे इंडिया का क्या इमेज बनता होगा। झारखंड वाला ये इंसिडेंट जब सामने आया तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया का बुराई होने लग गया, इंडिया का बदनामी हुआ, इंडिया पे सवालिया निशान लगाया गया कि क्या टूरिस्ट के लिए इंडिया सेफ है।
यूएसए एंड चाइना ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी वुमेन इंडिया सोलो ट्रैवल ना करे, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर फीमेल टूरिस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर अनसेफ है, होटल में नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। 23 साल की एक स्टूडेंट हॉलीडे में कोरिया से इंडिया घूमने के लिए आती है, और जिस होटल में वो रुकी हुई थी, होटल ओनर के बेटे और उसके फ्रेंड्स ने ड्रग दिया और 6 लोगों ने मिलकर के गैंग रेप किया। मैं तो बोला ना, आप सिर्फ इंटरनेट पे सर्च करो, एक एक भयानक भयानक न्यूज देखने को मिलेगी, और जो न्यूज में नहीं है वो शायद इससे भी भयानक होगी। कहते हैं कि इंडिया एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करता है, मातृ देवो भव, मतलब कि औरतों की माँ की पूजा करो, इबादत करो, मगर ये उल्टा चलते हुए दिख रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट जब मैं आपको बताऊंगा तो आप हिल जाओगे, माइंड को बिलीव नहीं हो पाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के अकॉर्डिंग इंडिया में एवरेज हर 6 मिनट में एक रेप होता है। जी हाँ, हर दिन लगभग 100, मतलब ये कोई मैं बिजनेस नहीं बता रहा हूँ कि हर 6 मिनट में एक कोई चीज बिक जाती है, हर दिन 100 ये रेप केसेस है। क्या ये शॉकिंग बात नहीं है? क्या ये शर्मसार कर देने वाली बात नहीं है? और ये वुमेन को लेकर के लस्ट वाली फीलिंग कहाँ से आती है वो मैं पीछे बता चुका हूँ, कि कैसे गोरापन से लेकर के लड़की, फिर व्हाइट स्किन, फिर रशियन, फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स, मूवीज एंड सोशल मीडिया पेजेस लोगों के माइंड पे हावी होता है, और फिर ये सब इंसिडेंट देखने को मिलता है, और जो बचा कुचा कसर रहता है वो एडल्ट वेबसाइट पूरी कर देता है। 10 में से 9 माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन वो ऑनलाइन एडल्ट साइट्स में मशगूल रहते हैं। इंडिया पॉर्न कंजप्शन के मामले में वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है, जबकि गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले बहुत सारी चीजों को बैन कर दिया था। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि 6000 रशियन माइंड पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये देखो, चरित्र की सुंदरता वाली ढूंढने की कोशिश करो, चंद रुपयों में तो रशियन भी मिल जाती है। क्या इसको पढ़ के लड़के फैंटेसाइज नहीं होंगे कि रशियन, वो भी चंद रुपयों में? आरजे महावश ने ये शॉर्ट्स का टाइटल डाला, नहीं मिलेगा सच्चा प्यार, फेंको 6000। क्या बात है ना, अपने आप को आरजे बताते हो। फिर ये देखो, क्या बात है भाई, 6000 में 2-2 रशियन मिल जाएगी, मतलब यहाँ हमारे लेजेंड को भी नहीं छोड़े। ये देखो, कुछ नहीं ब्रो, 6000 का जॉब लगा तो रशियन बुक कर दिया। अब इससे क्या फैंटेसाइज्ड होंगे कि जब मैं जॉब करूंगा तो 6000 में रशियन बुक करूंगा। अब एक बार सोचो और बताओ कि इससे लोगों में क्या मैसेज जाएगा? सिर्फ एक चीज ना, रशियन लड़की। और जो लोग मीम्स में पिंक वाली बातें करते रहते हैं वो क्या बात करते हैं, क्या लोगों को समझ में नहीं आता? सबको समझ में आता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। अगर कोई ये पोस्ट करता है कि एवरेज 6000 वाली रशियन एंड मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल सुपरस्टार की बेटी, तो वो क्या कहना चाह रहा है इससे? यही ना कि इसका डार्क स्किन है, उसका फेयर स्किन है, इसका फिगर ऐसा है, उसका फिगर वैसा है। और ये सब देखने के बाद लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, ये रोड पे दिख जाता है, लाल किले पे दिख जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया पे दिख जाता है। कोको एक यूट्यूबर है जो एक लड़के से पूछती है कि रशिया के बारे में आप क्या जानते हो, तो उसका क्या जवाब होता है पता है? 6000। ऐसे एक लड़का ब्लॉगिंग करते रहता है जो हमारे इंडियन भाई हैं, तो पीछे से कुछ लड़कियां आती रहती हैं, उससे सवाल करता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो कहती है रशिया। सिंपल था राइट? लेकिन उस लड़के का फेस का रिएक्शन ऐसा था कि पता नहीं क्या बोल गई वो। ट्रैवल लाइट एंड मिसिमी अपने वीडियो में ये एड्रेस भी की है कि कैसे इंडियन व्हाइट स्किन के पीछे पागल है, और 6000 कैसे एक पूरे कंट्री को बदनाम कर रहा है। सोचो आप यूएसए जाते हो, वहां आपसे कोई पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहते हो इंडिया, फिर वो वियर्ड सा लाफ करता है, कैसा लगेगा? और ऊपर से आपको बोले 6000 इंडियन, फिर कैसा लगेगा? और जो मैं बताया हूँ वो इतना ही लेवल तक नहीं है, बड़े बड़े लेवल तक है। बहुत वीडियो आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा जिसमें लोग ताजमहल, लाल किला, गेटवे ऑफ इंडिया पे, टूरिस्ट प्लेस पे, जहाँ पे फॉरनर्स खास करके फीमेल दिख जाती है, तो वहां पे लोग जबरदस्ती सेल्फी लेते रहते हैं, उसको परेशान करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहली बात, जिस सोशल मीडिया हैंडल से ऐसी पोस्ट होती है उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। जिस मूवीज या सॉन्ग्स में वुमेन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है उससे दूर रहना चाहिए। अपने आप को अच्छी चीजों के लिए इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर सिर्फ बुरी चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, इन्फॉर्मेटिव एंड इंस्पिरेशनल चीजें हैं, बशर्ते गोल पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। और हम इंडियंस का एक नारा भी तो है, अतिथि देवो भव, तो मेहमान का सबसे पहले सम्मान करना आना चाहिए, प्यार से वेलकम करना चाहिए, क्योंकि 2023 में 80 लाख से ज्यादा टूरिस्ट इंडिया आए हैं। फाइनेंशियली भी इंडिया को ही फायदा होगा ना, इसलिए उसे अच्छी यादों के साथ यहाँ से भेजना चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट दिख जाएंगे जैसे कि ये देखो, किस तरह समर शील्स इंडिया की तारीफ कर रही है। तो जब भी कोई फॉरनर्स दिखे उसे प्यार से, मोहब्बत से पेश आओ, मेहमान जैसे इज्जत करो। और जो लोग 100 रुपये की चीज 1000 रुपये में बेचते हैं, या जो टैक्सी वाले 200 के जगह 2000 लेते हैं, प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि सारे टूरिस्ट को पता होता है कि उसके साथ ठगी हुई है। किसी को तभी पता चल जाता है, किसी को बाद में 4 दिन बाद पता चलता है, मगर पता जरूर चलता है। अगर ना भी पता चले फिर भी कम से कम इंडिया का नाम प्लीज बदनाम मत करो, क्योंकि आपके हाथ में उस वक्त पूरे देश का इमेज रहता है। जैसे 6000 बोल करके पूरे रशिया को टारगेट किया जाता है, बदनाम किया जाता है, वैसे एक सिंगल पर्सन की वजह से पूरे देश का इमेज बदनाम होता है। जैसे झारखंड के उन 7 लोगों की वजह से पूरा देश का नाम ग्लोबल लेवल पे बदनाम हो गया।
चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।